नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के गुप्ता होम्योपैथी डॉक्टर। आज आपको दो ऐसी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जो आपके घर पर निश्चित रूप से होना चाहिए। सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई का नाम है अर्निका मोंटाना मदर टिंचर। इसको अर्निका मोंटाना क्यू भी कहते हैं। ये आपके घर पर निश्चित रूप से होना चाहिए। ये ज़्यादातर इस दवा का उपयोग इंजुरी में करते हैं। किसी भी प्रकार की आपको चोट लगती है या आपके परिवार में किसी भी बच्चे को या बड़े को या माता पिता किसी को भी कोई चोट लग जाती है, घुटनों में चोट लग जाती है, कमर में चोट लग जाती है, सर में चोट लग जाती है, बच्चों के घूमड़े पड़ जाते हैं सर में, नील पड़ जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन उस पार्ट का हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस दवा को सिर्फ लगाने मात्र से आधा आधा घंटे के अंतराल से आप सिर्फ उस जगह पर इस दवा को लगाइए, आपको शाम तक एक ही दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। कंटिन्यू भी आप इसको लगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को घुटनों में दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो तो आप किसी भी तेल में मिलाकर इसको मालिश कर सकते हैं। दूसरी होम्योपैथिक दवाई है कैंथेरिस मदर टिंचर। ये किसी भी जगह पर जल जाने से, गर्म पानी से, दूध से या फायर से जल जाने पर वहाँ पर ब्लिस्टर बन जाते हैं। यदि ये दवा आपके घर पर है तो आप ब्लिस्टर बनने के पहले इस दवा को तुरंत, जैसे ही कोई व्यक्ति जलता है, बच्चे जलते हैं या बड़े जलते हैं, बूढ़े बड़े, घर में महिलाएं, कोई भी जल जाता है किसी भी पार्ट पर, तो आप इस दवा को उस जगह पर सिर्फ लगाना मात्र होता है। इस दवा को आप वहाँ पर सिर्फ लगा दीजिए। होम्योपैथी की दवा है ये कैंथेरिस मदर टिंचर। इसको लोकली आप उस जगह पर 15-15 मिनट में 3 से 4 बार आप वहाँ पर लगा दीजिए, तो ना तो वहाँ पर ब्लिस्टर बनेगा, ना फफोले पड़ेंगे और ना ही वहाँ पर जलन होगी। और आप इन दोनों दवाओं को अपने घर में अवश्य रखें। यदि ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। धन्यवाद।